नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, 28 अक्टूबर है आज, और 28 अक्टूबर का जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर है वो हो चुका है, और उनमें से कुछ क्वेश्चन जो अभ्यर्थियों द्वारा बताए गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हैं आज 28 अक्टूबर को। तो इनमें से जो कुछ क्वेश्चन मिले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार के, इससे पेपर का लेवल पता चल सकता है कि किस प्रकार का लेवल पेपर का जो ग्रुप डी का वो आ रहा है, और धीरे धीरे जो लेवल अब यानी 28 अक्टूबर को जो लेवल है वही अगले 7-8 दिनों में जो परीक्षा होगी उनमें वही लेवल देखने को मिलेगा। जैसे कि पीछे जो परीक्षाएं हुए हैं उनमें मैं भी बताता रहूँ कि जो लेवल है वो सेम है बिल्कुल, परीक्षा का जैसे प्रश्न जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षा में वैसे ही क्वेश्चन अगले जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आप लेवल देख लीजिए कि किस प्रकार का लेवल किस प्रकार के लेवल का प्रश्न आ रहे हैं, और उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम एक ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर बीरेन सिंह किस पार्टी से संबंधित है। तो इसका उत्तर है, जिन अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिए हैं उनके लिए भी आंसर की के रूप में वो देख सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए, लेकिन सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो विद्यार्थियों अभ्यर्थियों की याद रहे हैं और उन्होंने बताया है वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उनके आंसर भी बताऊंगा। तो इसका अर्थ है कि इसका उत्तर है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है डॉक्टर एन बीरेन सिंह। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स पर भी फोकस अब जो पेपर हो रहे हैं उनमें ज़्यादा है। तो आगे हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान के मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। ये तो मैं दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जा रहा है। तो अब जो 28 अक्टूबर यानी आज जो पेपर हुआ उसमें वर्तमान मणिपुर के मुख्यमंत्री पूछा है। तो इस मणिपुर आगे हम बात करेंगे कि जो राम नाईक है वो कहाँ के राज्यपाल है। ये देखिए राज्यपाल का क्वेश्चन भी आया था, राम नाईक कहाँ के राज्यपाल है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो आपको बता दूं कि लखनऊ है। इससे रिलेटिव भी प्रश्न आ सकता है, ज़्यादा चर्चा में रहता है उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा राम मंदिर के लिए भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है, ये लगभग सभी को पता होगा, लेकिन राज्यपाल इसमें प्रश्न इस पेपर में पूछा गया है कि राज्यपाल कौन है, तो इसका उत्तर है राम नाईक। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आगे ये पूछा है, साइंस का क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। ओस्मियम है, और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। आपको वैसे बता दूं कि सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम, और सबसे भारी धातु पूछा था पेपर में वो है ओस्मियम। आपको इस तरह से याद रखिए, भारी धातु ओस्मियम पूछ लिया गया, हो सकता है अगले पेपर में लिथियम के बारे में भी पूछ सकते हैं कि हल्की धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे हल्की धातु है लिथियम। और एक प्रश्न ये देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में कौन क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया है। और इसका जो पूछा है वर्तमान के प्रथम, नहीं ये जो क्वेश्चन है वर्तमान के नहीं पूछा है, ये प्रथम रक्षा मंत्री कौन है। इस प्रकार का क्वेश्चन है कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन है। तो ये प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, और प्रथम थे बलदेव सिंह, और वर्तमान में महिला रक्षा मंत्री है निर्मला सिंह। काफ़ी चर्चा में रही है निर्मला सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं अगले पेपर में कि वर्तमान के रक्षा मंत्री कौन है। और एक ये क्वेश्चन है कि एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। ये मैथ का प्रश्न है और ये काफ़ी इजी है वैसे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को, तो आपको बता दूं कि हम 5/18 से अगर हम आपको बता दूं कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग करता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। और इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर मीटर प्रति सेकंड को
किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कम से अगर ज़्यादा करने हैं तो ऊपर 18 आएगा, नीचे 5 आएगा, 18/5 से गुणा करना है। अगर ज़्यादा से यानी मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो ऊपर कम आएगा, अगर कम में बदलना है तो ऊपर कम आएगा, नीचे ज़्यादा आएगा, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। अगर 36 को 5/18 से गुणा करेंगे तो आप करके देख लेना, 10 ही आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगले पेपर में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगभग सेम पूछे जाते हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसका उत्तर है, यानी ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, बताया गया है कि एक रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या 19 है, वह तत्व कौन सा है, यानी 19 परमाणु संख्या किस तत्व का होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि पोटेशियम है, पोटेशियम वह धातु है जिसका जो परमाणु संख्या है वो 19 है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोटेशियम का जो प्रतीक है वो के है, यानी पोटेशियम को के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु संख्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, आपको बता दूं कि परमाणु संख्या से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये मैथ का क्वेश्चन है कि 1 - x * 1 + x इसका सोल्व करना है। तो ये आपको बता दूं कि ये जो है ये सूत्र है, बिल्कुल सीधा सूत्र दिया हुआ है, बीजगणित का सूत्र है, 1² - x² 1 - x 1 + x बिल्कुल सूत्र है। ये देखिए, a² - b² बराबर होता है a - b * a+b, ये सीधा सूत्र पूछा है, लेकिन इसकी थोड़ा घुमा कर दिया है, इसलिए कंफ्यूजिंग कर रहा है बच्चों को। और आगे ये साइंस का क्वेश्चन है कि मेथेन गैस में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो मेथेन जो गैस है उसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन। और एक आपको बता दूं कि इसका जो मेथेन का रासायनिक सूत्र है वो है CH4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मीथेन गैस के बारे में। और नीचे क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये जो क्वेश्चन है, ये जो वर्तमान करंट अफेयर से है, कौन क्या से क्वेश्चन आया है कि वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका उत्तर है ओम प्रकाश रावत, OP रावत भी मिला हुआ आपको पेपर में मिल सकता है कि OP रावत और ओम प्रकाश रावत, ओम प्रकाश रावत वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त है। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, कई बार तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पहले की परीक्षा में आए हैं ग्रुप डी के, वैसे क्वेश्चन आते हैं, या थोड़ा बहुत चेंज कर कर क्वेश्चन देते हैं। और एक ही क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुनेंगे? ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। और डिजिटल भारत के ब्रांड एम्बेसडर, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं अगली परीक्षाओं में। तो कृति कृति तिवारी डिजिटल भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। और अमिताभ बच्चन है DD किसान TV जो चैनल है, आपने देखा होगा, आप देखते होंगे, उसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। और कृति तिवारी है डिजिटल भारत के ब्रांड एम्बेसडर। और ये साइंस का क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। आप सभी विटामिनों के नाम याद रखें, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन लगभग परीक्षा में पूछा जा रहा है। विटामिन सी का जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, और ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम। और ये क्वेश्चन आया था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। और ये ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, और ये जो पार्टी है लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री है। लिबरल पार्टी कहाँ की है ये भी आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी है, इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है मॉरिसन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी वर्तमान जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, और साइंस के क्वेश्चन रोगों से संबंधित, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना अच्छा होगा।
ये देखिए क्वेश्चन, डोरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डोरंड कप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है?